आलसियों का सबसे बड़ा सहारा भाग्य होता है। प्रत्येक कार्य को भाग के भरोसे छोड़कर आलसी व्यक्ति परिश्रम से दूर भागता है। बिना परिश्रम के तो शेर को भी आहार नहीं मिल सकता। यदि वो आलस्य में पड़ा रहे तो भूखो ही मरेगा। बिना मेहनत किए हर चीज मिल जाना, अर्थात अगर इंसान को सभी चीजें बिना परिश्रम के मिल रही है, मांगने से पहले ही मिल जा रही है, वह मेहनत क्यों करेगा और वह आलसी होता जाएगा। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। उच्च कुल रूपी दीपक आलस्य रूपी मैल लगाकर प्रकाश में खुद घुस जाएगा। आलस्य निराशा का मूल और उद्योग सफलता का रहस्य। आलस्य के दुष्परिणाम केवल विद्यार्थी जीवन में भोगने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। जीवन के सभी क्षेत्रों में उसके कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। नहीं कोई काम ऐसा जो तुम आलस को छोड़ के नहीं कर पाएगा। जिस वक्त तुम्हें आलस्य आए, समझ लेना तुम जानवर बन गए हो। अगर आलस्य नहीं बने हो तो उठो और देखो अपनी किताबों को जो सदियों से मिलने के लिए आतुर है और कहता है मुझे पढ़ने के लिए कोई आएगा। सफलता पाना है तो आलस को मिटाना है, इस कमजोरी को हर सुबह उठकर हराना है। थैंक यू।